हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर हम आज फॉर्म व्यू के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रेड को कैलकुलेट किया जाए। जी हाँ, तो फॉर्म व्यू के अंदर करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें फॉर्म व्यू के अंदर ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए एक्सेस को यहां से ओपन करता हूं मैं। एक्सेस का कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं। तो यहां पर ये फॉर्म व्यू के अंदर इसे ओपन कर लिया है। आपके पास अगर 2007 है तो 2007 भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आता है। आप यहां पर चाहे तो डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल यही रखता हूं और कर देता हूं क्रिएट पे क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ये देखिए ये जो व्यू दिया है इस व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब मैं यहां पर ग्रेड कैलकुलेट करना है तो यहां पर मैं स्टूडेंट टी कर देता हूं, स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर आईडी आ रही है, देख सकते हैं। तो ये जो आईडी है इसे मैं बना देता हूँ रोल नंबर। एक यूनिक फील्ड रहेगा ये हो गया रोल नंबर, ठीक है। और इसे ऑटो नंबर ही रखा है। अब इसके अलावा हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी बनाना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कर देते हैं और ये भी यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना होगा। क्या काम है वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इंडेक्स्ड नो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको ये आकर के और यस नो डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे यस नो डुप्लीकेट कर दीजिएगा तो दोनों ही फील्ड में, यानी रोल नंबर में तो आप डुप्लीकेट एंटर नहीं कर सकते लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में भी डुप्लीकेट एंटर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो अब जो है इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा और अब यहाँ पर मार्क्स आएंगे तो तीन ही सब्जेक्ट लूंगा ताकि आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। और यहाँ पर इसका डेटा टाइप मैं रखने वाला हूँ नंबर, ठीक है। देन यहाँ पर क्या करूंगा, मैथ्स अगला सब्जेक्ट है मैथ्स। और यहाँ पर भी इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। और अब यहाँ पर बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की तो यहाँ पर कंप्यूटर कर देते हैं, कंप्यूटर तो हो ही चुका है, SST कर देते हैं, SST। तो SST का भी डेटा टाइप जो है यहाँ पर हम नंबर ही रखेंगे, ठीक है। तो हर बार जो सब्जेक्ट है उसमें डेटा टाइप आपको नंबर ही रखना है, ये चीज ध्यान देनी है। और यहाँ पे टोटल करना है, टोटल का भी डेटा टाइप हम नंबर रखेंगे। जबकि आपको ये पता है कि यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड आपको मिल जाता है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्योंकि हमें फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे ये नंबर रख रहे हैं। और यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे एवरेज, तो एवरेज को भी हम नंबर ही रखने वाले हैं। तो ये नंबर रख लिया और यहाँ पर ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसे डबल बना देंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और देन यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है और ग्रेड जो है यहाँ पर ये भी नंबर ही डेटा टाइप रहेगा तो यहाँ पे नंबर कर दिया है। और यहाँ पर भी चाहे तो इसे डबल बना सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, यस करना है। तो ये अब इस तरीके से आएगा। लेकिन अब समस्या हमारे साथ ये है कि क्योंकि कैलकुलेट तो किया नहीं है तो यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल देते हैं जैसे K01 करते हैं और रोल नंबर तो अपने आप जनरेट होता जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा ट्रैक करके बड़ा कर लेंगे ताकि ये पूरा पूरा नेम ऑफ स्टूडेंट नजर आए। और स्टूडेंट का नाम लिख दिया हमने गौरव, ठीक है। और अब मार्क्स आएंगे तो आउट ऑफ 100 ये मार्क्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी चीज पर ये तय कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया रखिएगा तो उसी हिसाब से तय करिएगा। जैसे आप 50 नंबर का रखेंगे तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने 100 नंबर का रखा है एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे टोटल और एवरेज और ग्रेड तो कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेरी के माध्यम से नहीं, हम सीधा सीधा इसे फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ से फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अब चूंकि यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग फील्ड, तो यहाँ से सारे एग्जिस्टिंग फील्ड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट टी नाम का टेबल था जिसमें पहला जो फील्ड था वो रोल नंबर था, दूसरा जो फील्ड था वो रजिस्ट्रेशन आईडी था, ठीक है। और तीसरा जो फील्ड था वो नेम ऑफ स्टूडेंट है, चौथा जो फील्ड है वो यहाँ पे कंप्यूटर मैथ्स, जो भी यहाँ पे फील्ड है सारे फील्ड्स एक एक करके यहाँ पे लेके आने होंगे और सारे फील्ड्स को यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन वाला सारा, तो यहाँ पे इस साइड में कैलकुलेशन वाला रखते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला हो गया, पहले तो टोटल करेंगे, देन यहाँ पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पर हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों ही हमें करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट पर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है कैप्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो है अदर्स में यहाँ पर आपको लेबल यहाँ पे भी टोटल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे करना ये है कि ये जो टोटल है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता होगा ऑल, तो ऑल पे क्लिक करके और आपको आ जाना है ये कंट्रोल सोर्स पर। तो ये कंट्रोल सोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर आकर के और ये 3 डॉट्स पे जाना है। अब यहाँ पर टोटल आप कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे कॉलन लगाइए और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड करने हैं, कंप्यूटर ऐड करना है,
प्लस करिए, फिर क्या ऐड करना है, तो फिर मैथ्स ऐड करना है, तो MATHS मैथ्स हो गया, फिर क्या ऐड करना है, तो फिर SST ऐड करना, तो ये तीन ही सब्जेक्ट हैं, तो तीनों सब्जेक्ट को ऐड करा लिया हमने, तो ये हो गया। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा हमेशा कर्ली ब्रेसेस नहीं रहेगा, और कैपिटल स्मॉल का तो विशेष ध्यान रखना है आपको, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए और तब काम करिएगा और यहाँ से ओके करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये गलती हो रही है कुछ, तो चेक करना होगा कि कहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसे पहले वापिस आता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये गलती हो रही है, तो ये इसको हटाएंगे और यहाँ पर जो है सीधा सीधा इक्वल टू लगा के और ओके करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट भी होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब एवरेज कैसे आएगा, तो वही काम एवरेज में भी, कि यहाँ पर आकर के कंट्रोल सोर्स पे आना है, ठीक है, और एवरेज को यहाँ से इस तरीके से हटा के और यहाँ लिखेंगे टोटल, क्योंकि टोटल में ही टोटल मार्क्स से ही तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गया और अपॉन कितने सब्जेक्ट है, 3 है, तो 3.0 कर सकते हैं आप, ठीक है, 3 भी लिख देंगे तो भी कैलकुलेट करेगा, ऐसा ये नहीं है। अब ग्रेड पे आते हैं, तो ग्रेड पे आकर के आपको वही वापिस से यहाँ पे आना होगा, और इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ आई इफ फॉर्मूला लगाना होगा आपको। देखिए इफ नहीं लगाएंगे, आई इफ लगाएंगे, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, और एवरेज के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। अगर किसी को 85% मार्क्स मिले या उससे ज्यादा मिले, तो ऐसी स्थिति में उसे एस ग्रेड मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो अब फिर आई इफ लगाएंगे, यानी नेस्टेड आई इफ की बात कर रहा हूँ, नेस्टेड यानी आई इफ के अंदर कई आई इफ लगाएंगे हम, तो ये दूसरा आई इफ है, पहले आई इफ के अंदर ये दूसरा आई इफ है, ठीक है। और यहां पर फिर वही की एवरेज के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हो चुका है 85, अब कर देंगे 75, और डॉटेड कॉमा में ऐसा हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड आ जाए, ठीक है। और फिर यहाँ आई इफ लगाएंगे, और आई इफ लगा के ब्रैकेट को ओपन करके फिर वहां यहाँ पर एवरेज देंगे, तो ये एवरेज हो गया, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर वही काम की बड़ा हो या बराबर हो, किसके किस किससे बड़ा हो या बराबर हो, तो यहाँ पर कहेंगे हम 65, इस बार 65 किया, और 65 करके क्या यहाँ देंगे, तो यहाँ भी बी ग्रेड दे देंगे, तो ये हो गया। और फिर यहाँ आई इफ लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे हम 55, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो सी ग्रेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो 65 तो बी ग्रेड रहा, लेकिन इससे ऊपर मतलब इससे कम और 65 से नीचे जो रहेगा उसको सी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ आई इफ लगाएंगे और फिर यहाँ पर एवरेज दे देंगे इस तरीके से, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, और 50 तक रहेगा, 50 से बड़ा या 50 के बराबर, तो ऐसे में उसे डी ग्रेड मिलेगा। और इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे, तो इसमें चूंकि दो कंडीशन होती है ट्रू की और फॉल्स की, तो यहाँ पर ये बच्चा फेल हो जाए। तो यहाँ पर कितने इफ है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये पांचों इफ को यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करके ओके करेंगे। देन अब जो है यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसका कलर बदल देंगे, यहाँ से जाके पहले तो बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको डार्क ब्लैक कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ अन्य भी सेटिंग्स हैं जिनको आप चाहे तो कर सकते हैं, तो यहाँ से जा करके इसे पहले फॉर्म पे लीजिए और यहाँ से पॉपअप को यस कर लीजिए, और भी नीचे सेटिंग्स हो सकती हैं, तो फिलहाल तो आपको ये दिखाने के लिए, तो अभी आके यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ कैलकुलेट हुआ पड़ा है, आपने सिर्फ मार्क्स एंटर किया, बाकी की सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट होती चल रही हैं। लेकिन अभी रुकिए, यहाँ पर इसे सेव करना है, और इसे सेव मैं करूंगा स्टूडेंट एफ के नाम से, स्टूडेंट फॉर्म, तो ये स्टूडेंट एफ के नाम से सेव किया। आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चीजें भी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको फिल करना हो K02 करना है, तो ये K02 किया, रोल नंबर तो ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे अगला ये स्टूडेंट का नाम है, बाकी मार्क्स यहाँ पे जो भी दिए गए हैं वो यहाँ पे दे दीजिए, और उसके हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा, सारी चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही होंगी। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव करने के लिए बोलेगा, और ये सेव भी हो जाएगा, ठीक है।